मकर संक्रांति के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में गोरखनाथ मंदिर परिसर में विधिक साक्षरता जागरूकता कैंप का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह द्वारा फीता काट कर किया गया। गौरतलब है कि 14 से 28 जनवरी तक गोरखनाथ मंदिर परिसर के मेले में चलने वाले विधिक साक्षरता जागरूकता कैंप में प्रतिदिन ग्रामीण अंचल से आए हुए सभी लोगों को प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सलाह तथा हैंडबिल के माध्यम से कानूनी जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर अस्थाई लोक अदालत के चेयरमैन जी के पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह, भूमि अभिकरण के न्यायाधीश सुधीर कुमार, कमर्शियल कोर्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह सहित अन्य न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने कहा, जो बांदी सिद्धार्थ नगर की रहने वाली है, नौतन महाराजगंज के रहने वाले हैं, आपकी माँ सुभावती देवी आपका इंतजार कर रही है मेला थाने पर, आकर अपनी माँ से मुलाकात करें। थाने के पास आपकी बेटी सरिता इंतजार कर रही है, आकर अपनी मालती देवी, मालती देवी आपका बेटा गोल्डन यादव, गोल्डन यादव आपका इंतजार चिंता चप्पल के पास कर रहे हैं, जाकर मुलाकात कर लें। मालती देवी जिसका नाम सत्य, माता नाम लालवती, जैसा आप जानते हैं कि खिचड़ी मेले में यहाँ बाबा गोरखनाथ परिसर में खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में तमाम लोग आते हैं, इस पूर्वांचल और नेपाल, बिहार और सीमावर्ती राज्यों के कई लोग आते हैं। उन लोगों को विधिक रूप से साक्षर बनाने के लिए, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता पहुँचाने के लिए आज हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा एक यहाँ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। यह विधिक साक्षरता शिविर 14 से लेकर 28 तक रहेगा। हमारे यहाँ प्रतिदिन यहाँ पंपलेट और बुकलेट के माध्यम से जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे और जिन्हें किसी कानूनी ज्ञान की जरूरत है, किसी सहायता की जरूरत है, वो हमारे स्टॉल पे आके हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर, इवन मैं भी यहाँ उपस्थित रहूँगा, उनको समय समय पर विधिक जानकारी दूंगा। ये कार्यक्रम जो हमारा है वो 14 से लेकर 28 तक सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक निरंतर चलता रहेगा।